क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, आपका बुक होगा, देख लोगे। द टेम्परेचर ऑफ ए हिल साइड फेल बाई 2 डिग्री सेल्सियस ईच डे फॉर ए वीक। कह रहे हिल साइड का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, गिर रहा है 2 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक दिन फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए। इफ द फॉल इज रिप्रेजेंटेड बाई ए नेगेटिव इंटीजर्स, यदि फॉल जो है नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर द होल वीक, तो पूरे सप्ताह में टेम्परेचर कितना फॉल होगा, यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो आप जानते होंगे 1 वीक इक्वल टू होता है 7 डेज होता है, तो हेंस 1 डे, 1 डे में टेम्परेचर आपका जो है फॉल हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, और यह फॉल जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, माइनस को, नेगेटिव इंटीजर्स को, तो लिख दोगे -2 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर 7 डेज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस × 7 इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, और यह माइनस है तो -40 डिग्री सेल्सियस आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ए टेस्ट कंटेनिंग 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के एक टेस्ट में 2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, एंड -1 मार्क इज गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 नेगेटिव अंक रखे गए हैं। लक्ष्मी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, लक्ष्मी ने सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया, बट ओनली 40 क्वेश्चन ऑफ हर आंसर आर करेक्ट, लेकिन वह केवल 40 क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाई, व्हाट इज हर टोटल स्कोर, तो उसका टोटल स्कोर क्या हुआ, यानी उसको टोटल कितने नंबर मिले। वन ऑफ हर फ्रेंड्स गेट ओनली 20 क्वेश्चन एंड 20 आंसर करेक्ट, उसके दोस्त जो है, उसका एक दोस्त है जिसने कि 20 क्वेश्चन का सही उत्तर दिया, व्हाट इज हर टोटल स्कोर, तो उसका जो है टोटल स्कोर कितना हुआ, तो दोनों का आपको टोटल स्कोर पूछ रहा है, और दोनों का टोटल स्कोर आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्क्स गिवन फॉर मार्क्स गिवन फॉर कितने की थे, 40 करेक्ट आंसर इक्वल टू 40 × 2, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए उसके 2 मार्क्स दिए जाते हैं, तो उसने टोटल 40 क्वेश्चन किया था, तो 40 × 2 यानी कि 80 मार्क्स उसको मिले, ठीक है। फिर ऐसे ही मार्क्स गिवन फॉर टोटल क्वेश्चन की संख्या क्या थी, 50 माइनस सही कितना किया था 40, तो उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने किए होंगे, यहां लिख देते हैं इनकरेक्ट 10 क्वेश्चन, तो आप जानते हो कि -2 एक क्वेश्चन का है, तो 10 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, -1 है ना नेगेटिव मार्क, तो क्या हो जाएगा -10, तो टोटल उसने 80 नंबर पाए और उसमें से 10 नंबर नेगेटिव है, तो टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा उसका, टोटल मार्क्स जो हो जाएगा उसका
80 माइनस 10 इक्वल टू 70, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। फॉर a इक्वल टू माइनस 20, b इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया है a b c का, तो इसका वैल्यू जो है आप पुट अप कर दोगे। ठीक है, तो इसके जगह रखते हैं तो a बराबर दिया है माइनस 20 डिवाइडेड बाय, b के स्थान पर दिया है 10 डिवाइडेड, नॉट इक्वल टू, LHS बराबर RHS करते हैं ना, देख लेते हैं दोनों अगर इक्वल नहीं होगा तो आपका उत्तर सही है। ए है माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई माइनस 2। ठीक है, आइए इसको किए करिए, तो 20 में 10 का डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो हमेशा किस में आता है उसका आंसर, हमेशा उसका उत्तर क्या आता है नेगेटिव में। ठीक है, नॉट इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाई, इसमें जब करोगे तो माइनस 5 होगा, 10 में 2 से डिवाइड करोगे तो 5, और एक प्लस है एक माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस 5। ठीक है, माइनस 2 में माइनस 2 का जब भी डिवाइड करते हो तो ये प्लस हो जाएगा 1, इज नॉट इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल कितने बार में 4, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि यही आपको प्रूफ करना था। अब आपका क्वेश्चन हो चुका है, एक्सरसाइज 1.2 खत्म, चैप्टर आपका इंटीजर्स खत्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन में मिलते हैं। चलिए।